तो मेरे आका अलैहि सलाम ने देखा कि एक बहुत बड़ा फितना नजद से उठेगा। सरकार ने कुछ अलामतें बयान की और इस हदीस पर मैंने 3 घंटे दुबई में मुनाजरा किया। मेरे पास कोई किताब नहीं थे, उनके 3 मौलवियों को मैंने किताबों के बगैर ही उल्टा कर दिया इस हदीस पर। सरकार से हजरत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो सरकार के राज वाली बातें बताते हैं, रिवायत करते हैं कि सरकार ने फरमाया इन्ना मिम्मा अतखवाफु अलैकुम रजुलुन क़रअल क़ुरआन हत्ता इज़ा रुयत बहजतु अलैहि व काना रिदाउल इस्लाम फ़तराहु इला मा शा अल्लाह फनसलख मिन्हु व नबज़हु वरा ज़हरी व सअला जारी बिस्सैफ फरमाहु बिस्सिर्क क़ाला क़ुल्तु अय्युहुमा औला बिस्सिर्क अर्रामी बिलल मर्मी क़ाला बिलल रामी बिलल रामी बिलल रामी। सरकार ने फरमाया मुझे उम्मत पर एक ऐसे शख्स का भी खतरा है जिनका खतरा उनमें से एक ऐसा, कौन? इब्ने अब्दुल वहाब की सारी निशानियां सरकार ने बताई और इस पर मैंने मुनाजरा किया और इब्ने अब्दुल वहाब को इस हदीस के नीचे से वो निकाल नहीं सके 3 घंटे तक। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमा बंदा होगा तहरीक अपनी चलाएगा कुरान पढ़ के। इसी से तुम हैरान होते हो कि कुरान का ही तो दरस देते हैं। सरकार ने फरमाया कि कुरान पढ़ के वो अपनी तहरीक चलाएगा। फिर वकाना रिदाउल इस्लाम, इस्लामी लिबास होगा उसका, जुब्बे वगैरह जिस तरह की सारी सूरत हाल थी। हत्ता इज़ा रुयत बहजतु अलैहि ज़हरी रौनक दाढ़ी वगैरह भी होगी। यहूदी नहीं होगा बज़ाहिर, नसरानी नहीं होगा, हिंदू नहीं होगा, सिख नहीं होगा, कुरान पढ़ेगा, कुरान की दावत देगा। तो फिर क्या करेगा? इतराहु इला मा शा अल्लाह, जब कुछ लोगों को अपनी तकरीरों से काबू में कर लेगा तो ऊपर वाली खाल उतार देगा। वो भेड़नुमा भेड़िया भेड़ वाली खाल उतार के भेड़िया बन के सामने आ जाएगा। क्या करेगा? गैब की खबरें सुनो। फन सलाख मिन्हो वनाबज़ा वरा ज़हरी, कुरान पकड़ के पीछे पुश्त के फेंक देगा जिसे पहले सामने रख के दर्स देता था। फिर सरकार का इल्म देखो, फरमा वसा अला जारिही बिसैफ वरमाहु बिशिर्क। फरमा उम्मत पर शिर्क का फतवा लगा के उम्मत में ही तलवार चलाना शुरू कर देगा। शिर्क का फतवा, रमाहु बिशिर्क, यानी मुसलमानों को जब कत्ल करेगा तो कहेगा चूंकि मुशरिक थे, इनका खून बहाना वाजिब हो चुका था, इनकी बीवियां छीनना जायज हो चुका था, इनका माल लूटना लाजिम हो चुका था, ये फतवा लगा के मुसलमानों का खून बहाता जाए। तारीख अरब में, तारीख इस्लाम में जिस शख्स ने कत्लो कताल तो कई लोगों ने किया, मगर जिसमें ये सारी इमारतें निशानियां मौजूद हो, कुरान से दावत, मुसलमानों पर शिर्क का फतवा, फिर मुसलमानों के खिलाफ तलवार निकालना, शिरक की बेस पे कत्ल करना मुसलमानों को, यह सिवाय इब्ने अब्दुल वहाब और उसके चेलों के और कोई नहीं। कल का इब्ने अब्दुल वहाब, आज की दाएश, ये एक ही खोटे सिक्के के दो रुख है, वरना ये कहां से आई मखलूक। अब इब्ने अब्दुल वहाब ने मुसलमानों पर शिरक का फतवा लगाया, पहला बंदा वो कत्ल किया दरिया रियाज में, जो मस्जिद जुमा के दिन मस्जिद पर की मुसल्ले पे खड़ा जमात कर रहा था। ये वहाबी तरीका पहला कत्ल था। 3 लाख मुसलमान इन भेड़ियों ने शहीद किए, 3 लाख मक्का मुकरमा मदीना मुनवरा और ताइफ के 3 लाख मुसलमान शहीद किए। जुर्म क्या था कि ये या रसूल अल्लाह कहते हैं, ये शिर्क करते हैं। सरकार ने पहले बताया था कि उम्मत पर शिर्क का फतवा जाली लगाकर एक बंदा फितना बरपा करेगा, और मरकज इस्लाम पे उसने कब्जा किया और वहां के रियाल मुजफ्फरगढ़ तक पहुंच गए। ये देखो, मैं सनद के साथ हदीस पेश कर रहा हूं, जो चाहेगा इस पर मुनाजरा भी करूंगा कि ये इब्ने अब्दुल वहाब था जिसकी निशानियां सरकार ने पहले बता दी थी कि वो शिर्क का फतवा लगाएगा, तो लगाए हम पे, लेकिन कुर्बान जाऊं सरकार के इल्म पर। सिहाबा ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, फैसले करवा लिए। आज अगर हमें साबित करना पड़ता कि इन दो में से हम है तीर खाने वाले, वो है तीर मारने वाले, तो फिर सच्चा कौन है और झूठा कौन है, तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती। हजरत हुज़ैफ़ा बिन यमान ने सरकार से ही करवा लिया कि मेरे महबूब वो जमाना जब आ चुका होगा, उम्मत पे शिर्क का फतवा लग चुका होगा, लाखों मुसलमान कत्ल हो चुके होंगे, तो दो टोले होंगे, एक होंगे शिर्क का फतवा, शिर्क के तीर मारने वाले, और दूसरे होंगे शिर्क के तीर खाने वाले। आप ये तो बता दो कि उनमें से मुशरिक और झूठा होगा कौन, ये आप खुद ही फैसला फरमा दो। ये लफ्ज लिखे हैं इब्ने तैमिया की शागिर्द की तफसीर में, अय्युहुमा औला बिशर्क अर्रामी बलल मर्मी, क्या मुसलमान बाकी मुशरिक हो चुके होंगे
میرے نبی علیہ السلام نے فیصلہ کیا, یہ لکھا ہے بلے رامی بلے رامی بلے رامی, اے حذیفہ بن یمان سنانا میری امت کو کہ جس وقت یہ شرک کے فتوے لگانے والے شرک کے فتوے لگا رہے ہوں گے اس وقت کی امت کا کوئی جرم نہیں ہوگا, وہ سچے مسلمان ہوں گے, یہ فتوے لگانے والے خود ہی دین کو چھوڑ کے جا چکے ہوں گے.